हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 24 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की, उसके अंदर जीके जीएस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले की भी जो शिफ्ट हुई है आपकी, वो सभी की सभी हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। रेलवे ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको सभी शिफ्ट का एनालिसिस मिल जाएगा, आप वो भी चेक कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आपको सभी को ये जितने भी एनालिसिस मैं करवा रहा हूँ आपको वो करने बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी देखने में आया है जो भी क्वेश्चन अगर एक टॉपिक से पूछ लिया है तो उसी से रिलेटेड हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जैसे एक टॉपिक पकड़ लेता हो, मान लो यहाँ पर देखिए ये एल्यूमिनियम का टॉपिक है, तो नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर भी एल्यूमिनियम से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ पूछ रहा है। जैसे एड्स है, एड्स से रिलेटेड भी तीन क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। वैसे ही जो भी एक बार एक टॉपिक उन्होंने पकड़ लिया, उसके बाद जो है उसी से रिलेटेड बार बार वो क्वेश्चन जो है बार बार पूछ रहा है आपसे हर शिफ्ट के अंदर। तो आपको जो है सभी एनालिसिस करने जरूरी हैं, आपको जो है 15-20 मिनट आधा घंटा आपका डेली एनालिसिस के लिए निकालना जरूरी है, ताकि आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल सके कि किस तरीके से जो है रेलवे आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, ताकि आप उसे के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी करके जाओ, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम 24 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसके अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए ये है 2021 में पंचायती राज मंत्री कौन बनाए गए थे। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा यहाँ पे गिरिराज सिंह थे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको हर शिफ्ट के एनालिसिस में बता रहा हूँ कि अभी तक कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं गई है जिसके अंदर पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा गया हो। हर शिफ्ट के अंदर पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है, और मैंने जो इसके टॉप 100 क्वेश्चन हैं पंचायती राज के वो करवा दिए हैं चैनल के ऊपर, आप उन्हें चेक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हर शिफ्ट के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है, तो डेफिनेटली आने वाली शिफ्टों के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये है, एल्यूमिनियम का आयशक क्या है। तो एल्यूमिनियम का आयशक देखिए, वैसे तो बहुत होते हैं और भी हैं, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, बॉक्साइट ऑप्शन के अंदर दिया गया था, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहने वाला था उसके उस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हो जाता है इसका बॉक्साइट, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है, 86वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर यहाँ पे रहा, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अभी ये पहली बार यहाँ संशोधन से रिलेटेड शायद यहाँ से टच हुआ है टॉपिक, अभी जो नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जाम होंगे उसके अंदर आपको 100% जो है संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। पहली बार अभी ये टच हुआ है यहाँ से टॉपिक, नहीं तो पॉलिटिक्स आर्टिकल वगैरह अनुसूची और इस टाइप के जो है टॉपिक जो है टच किए गए थे अभी तक, तो संविधान संशोधन से रिलेटेड अभी पहला जो क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आगे की शिफ्ट है जिनकी, अभी आने वाले एग्जाम है जिनके अंदर, तो उन बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ के जानी चाहिए। देखिए वैसे तो बहुत सारे जो है संशोधन हो चुके हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके 10 से 15 के आसपास जो इंपॉर्टेंट आपके संविधान संशोधन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाने वाला हूँ। जिस बच्चे ने वो देखनी आप देख सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन बताता हूँ अभी आपको कौन सा पूछा गया है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ आपसे पूछ लिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है। तो देखिए ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हुआ था आपका बायोलॉजी से, तो क्या बोला जाता है उसको, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। तो पावर हाउस यहाँ पे बोला जाता है उसको, यानी कि बिजली घर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत ब्रिटिश काल में कितने प्रतिशत पानी का उपयोग करता था। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है लिखने में, यहाँ पे भारत ब्रिटिश काल में सिंधु नदी का लिखा गया था फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंधु का, तो सिंधु का कितने प्रतिशत यहाँ पे जो है प्रतिशत पानी यूज करता था, तो यहाँ पे 20% हो जाता है इसका आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ आपसे पूछ लिया गया है कि पंजाब नेशनल बैंक में किस किस का विलय हुआ है, कौन से जो बैंक मिले गए विलय हुआ है। तो ओरिएंटल और यूनाइटेड बैंक का जो है यहाँ पे विलय हुआ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि कल से जो है लगातार यहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो है क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर जिन बच्चों ने कल वाली जो है एनालिसिस देखी होगी तो उसको डेफिनेटली यहाँ पे फायदा मिला होगा एक क्वेश्चन का, क्योंकि कल भी जो हर शिफ्ट के अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था। अगर जिस बच्चे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण को पढ़ लिया होगा तो ये आज वाला जो है क्वेश्चन डेफिनेटली उसने किया होगा। वैसे बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बना हुआ है, जो आपका 1000वां वनडे मैच भारत ने किस देश के साथ खेला। तो देखिए ये वेस्ट इंडीज देश के साथ खेला था, ये भी इजी क्वेश्चन है आपका। जिस बच्चे ने मैच देख रखे होंगे या जो खेल से रिलेटेड चीजें देखता रहता है उसको आसानी से इन चीजों का पता होगा। उसके बाद देखिए 2021 में नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप कहां पर खेली गई। तो ये देखिए यहां से भी जो आपकी चैंपियनशिप जितनी भी हुई है फ्रेंड्स, ये कहां पर खेली गई और कौन विजेता रहा, ये टॉपिक आप अच्छे से कवर करके जाएं। यहां से हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जितनी भी चैंपियनशिप हुई है हर शिफ्ट के अंदर एक
क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, या तो उसका जो है विजेता पूछा जा रहा है आपसे, या फिर वो कहाँ पर हुई है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है, किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस की शुरुआत हुई। तो देखिए यहाँ पर फिर से आपका जो है पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है। हर शिफ्ट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं गई है जिसके अंदर पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा गया हो, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लें जिसका अभी नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो अभी इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके मुझे बताना कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है शक्ति का जो मात्रक क्या है, तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या हो जाता, वाट, ठीक है। तो आपको देखिए ये मात्रक से रिलेटेड भी क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं मात्रक से रिलेटेड, तो आपको जो मात्रक तो याद करके ही जाने हैं, वैसे भी जिन्होंने तैयारी कर रखी है रेलवे की तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसने मात्रक वाला टॉपिक तैयार ना किया हो, ठीक है। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बच्चों ने तैयार नहीं कर रखे होते हैं, तो अभी उनका पता चल गया है कि कौन से टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप उनको अच्छे से तैयार करके जाएं। फालतू की चीज़ें पढ़ने से बजाय ये है कि जो एनालिसिस करें आप डेली की डेली, और क्वेश्चन देखें कहाँ किस टॉपिक से बने हुए हैं, तो वो टॉपिक जरूर कवर करें आप, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण क्या होगा। तो देखिए आपतित किरण जैसे प्रकाश की किरण आती है, ये आपतित किरण, उसके बाद जब ये परावर्तित हो जाती है टकराने के बाद, तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितने का बनता है, तो ये यहाँ पर इसका आंसर है वो 90 डिग्री रहने वाला है। तो मैंने आपको बताया था जो भी ये आपके प्रकाश है अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है जो भी इसका, तो इससे रिलेटेड आप अच्छे से पढ़ के जाएं, हर शिफ्ट के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को जरूर मिल रहा है आपको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है, जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, जैसे आपका ये देखिए यहां पर जो मीडियम है, ये देखिए यहां पर कांच है, ठीक है, तो ये यहाँ पर कांच है, तो यहाँ से जब आपकी जो है रे आती है, किरण आती है प्रकाश की, तो ये जब मीडियम में हवा से कांच में जाती है, तो ये जो है किस इसके साथ क्या जो है परिवर्तन होता है। तो आपको पता है जब ये इस तरीके से जाती है तो ये क्या होता है, ऐसे मुड़ जाती है, यानी कि इस अभिलंब की तरफ ये मुड़ जाती है। तो इसका आंसर जो रहने वाला था कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, उसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें पूछा गया था कि उसके साथ क्या परिवर्तन होता है, तो क्या हो जाती है, जो अभिलंब होता है आपके ऐसे ऐसे जब किरण आती है तो इस तरीके से मुड़ जाती है अभिलंब की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर ये था अभिलंब की ओर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, कौन सा जीव अलैंगिक गुण को दर्शाता है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे रहने वाला था हाइड्रा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बच्चे बच्चे को इसका आंसर पता होगा, मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है, तो जनवरी को 14 तारीख को मनाया जाता है, सबको पता है इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, LIC की बीमा कंपनी के रूप में, तो जो आपकी LIC बीमा कंपनी है ना, वो बीमा कंपनी के रूप में वर्ल्ड रैंक क्या है उसका, तो वर्ल्ड के अंदर उसका रैंक क्या है, तो वो 10वें रैंक पर है बीमा कंपनियों में से, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है यहाँ पे, चार्टर एक्ट अधिनियम पूछा गया है कब आया था, तो ये 1813 के अंदर आया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, करंट दिया था और प्रतिरोध दिया था, वोल्टेज निकालना था। देखिए फ्रेंड्स ये जो आपका 18वां क्वेश्चन है, ये हर शिफ्ट के अंदर मैंने आपको बताया है, ये आपका प्रतिरोध से हर क्वेश्चन, ये हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, आपको मैंने बता भी दिया, ये ओम के नियम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन, यानी कि V इज इक्वल टू IR, हर शिफ्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि ओम से रिलेटेड एक क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखना फ्रेंड्स, इसमें आपको जो है इसके अंदर आपको दिया गया था, यहाँ पे इसके अंदर वोल्टेज निकालना था, आपको वोल्टेज निकालना था, I भी दिया गया था, आपको करंट भी दिया गया था और R भी दिया गया था। मान लो यहाँ पर I आपको 5 दिया गया है और R यहाँ पर आपको 10 दिया गया है, तो 5 × 10 यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, वोल्टेज 10 हो जाता। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार यहाँ पे आपसे जो है I पूछ लेगा, कई बार यहाँ पे आपको R पूछ लेगा, कई बार आपको से जो है V पूछ लेगा, इस तरीके से इसी फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट के अंदर बना हुआ है, तो आप इसको अच्छे से करके जाएं। जिस बच्चे ने एक बार भी एनालिसिस देख लिया होगा, तो अगर उसको साइंस भी नहीं पढ़ रखी है, तो अगर इस तरीके से उसने देख लिया होगा, जैसे मैंने बताया है कि V इज इक्वल टू IR इसका फॉर्मूला होता है, इसके बेस पर आपको सोल्व करना है, अगर उसने वो वीडियो भी देख ली होगी तो साथ ही साथ वो बच्चा जरूर इस क्वेश्चन को सोल्व करके आया होगा एग्जाम के अंदर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, तो ये मैंने बताया था आपका, देखिए ये लेंस से रिलेटेड जो आपके प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, वस्तु को कहाँ पर रखें तो किस तरीके का प्रतिबिंब बनेगा, तो ये क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर आपसे पूछा जाने लग रहा है, तो इसको आप अच्छे से कवर करके जाए, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे आपका अवतल लेंस हो, चाहे आपका दर्पण हो, ठीक है, तो हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिल रहा है आपको। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है,
उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ पर रखें ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और बराबर बने। तो देखिए आपको जो ये लेंस है यहाँ पर उत्तल लेंस, तो आपको कहाँ पर रखनी होगी, ये आपका एफ है तो यहाँ पर आपको 2F के ऊपर रखनी होगी। अगर 2F के ऊपर आप रखते हो तो क्या होगा, ये प्रतिबिंब आपका उल्टा वास्तविक और कैसे बनेगा, बराबर बनेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कोयला और पेट्रोलियम को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 53। तो देखिए मैंने क्या एनालिसिस करने के बाद क्या पता चला है, मैं आपको हर शिफ्ट के अंदर ये बताता हूँ जितने भी एनालिसिस किए हैं। जो आपकी ये है जीके वाला पोर्शन है, जो आपको पता है जीके आपकी 20 क्वेश्चन आते हैं जीके के अंदर, जीके में 20 क्वेश्चन आते हैं, जीके में से 7 से 8 क्वेश्चन आपको जो है कौन से मिलेंगे, करंट अफेयर के मिलेंगे। उसमें से जो 10 से 12 क्वेश्चन बचते हैं वो आपके आते हैं जीके के अंदर। तो जो जीके वाला पोर्शन है उसमें से आपके 10 से 12 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के ही पूछे जा रहे हैं। तो जो आपके जीके के अंदर है पॉलिटी का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। तो आप पॉलिटी के अंदर भी सबसे ज़्यादा क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपके अनुच्छेद, जो अनुच्छेद है एक क्वेश्चन तो 100% यही आ रहा है, एक अनुसूची से रिलेटेड और मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद आपके ये, और देखिए फ्रेंड्स आज संशोधन से भी जो क्वेश्चन बना हुआ है इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको संशोधन भी करके जाने हैं, ठीक है, जितने भी संशोधन हुए हैं, संशोधन सारे तो नहीं करने हैं, सारे तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, 110 के आसपास जो है संशोधन हो चुके हैं, उसमें से आपको जो है करके कितने जाने हैं, करके जाने हैं आपको 15 से 20 संशोधन, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो पॉलिटी का वेटेज है वो आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है हर एग्जाम के अंदर, तो पॉलिटी अच्छे से कवर करके जाए आप। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।